भगवान से डरना क्या, परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि फिर से भारत में जन्म दे। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिल्ली के एम्स में शाम 5:05 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। थोड़ी देर में पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान 6A कृष्ण मेनन मार्ग लाया जाएगा। दिल्ली के एम्स से 6A कृष्ण मेनन मार्ग आएगा उनका पार्थिव शरीर। 2 महीने से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। मृत्यु की खबर से देश भर में शोक की लहर है। कल बीजेपी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। कल अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी मुख्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की निधन की खबर से देश भर में शोक है। कोने कोने से खबर आ रही है, अटल जी को जानने वाले लोग रो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, हिचकियां निकल रही हैं, कुछ सुबक रहे हैं, आंखें नम हैं, आवाज भर्राई हुई है। एक जन नेता का जाना कैसा होता है वो आप महसूस कर सकते हैं। अटल जी का कल शाम 5 बजे ही अंतिम संस्कार होगा। राजघाट के पीछे स्मृति स्थल में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार की जगह अटल जी का स्मारक बनेगा। आज रात में घर में रखा जाएगा अटल जी का पार्थिव शरीर। कल पूरा दिन बीजेपी मुख्यालय में रखा जाएगा। शाम 5 बजे स्मृति स्थल के लिए राष्ट्र स्मृति स्थल नाम दिया गया है उस जगह को। राजघाट से ठीक पीछे वो जगह है। 1.5 एकड़ की जगह होगी जहां स्मारक बनाया जाएगा, जहां इनका अंतिम संस्कार होगा और स्मारक बनाया जाएगा। वो 1.5 एकड़ जमीन होगी राजघाट से ठीक पीछे, राष्ट्र स्मृति स्थल उसका नाम दिया गया है। शाम 5 बजे अंतिम संस्कार का समय रखा गया है। समाचार प्लस देश भर से अपील करता है कि दुख की इस घड़ी में लोग संयमित रहें, संयम से काम लें। यही अटल जी के प्रति सच्चा प्रेम होगा, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सुबह 9 बजे बीजेपी कार्यालय लाया जाएगा पार्थिव शरीर। बीजेपी कार्यालय में पार्थिव शरीर रखा जाएगा जहां लोग अंतिम दर्शन कर सकें। शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा राष्ट्र स्मृति स्थल पर, राजघाट से ठीक पीछे यमुना के किनारे। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद, बीजेपी संघ विचारक, माफ कीजिएगा राकेश सिन्हा जी। राजनीति के आदर्शों का जाना है अटल जी का जाना, कभी कभी तो लगता है हमारे बीच से राजधर्म चला गया। राकेश जी, ऐसा नहीं है कि राजधर्म चला गया, लेकिन इतना जरूर है कि अटल जी ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा मापदंड स्थापित किया, वो मापदंड अपने निष्कलंक चरित्र से, अपने संसदीय जीवन के व्यवहार से और प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक होने से, वह एक ऐसा पैरामीटर बना दिया, एक ऐसा मापदंड बना दिया जो भारतीय राजनीति में जुगों जुगों तक, पीढ़ियों तक प्रभावित करती रहेगी। अटल जी की का जाना एक अपूर्णीय क्षति तो है, लेकिन अटल जी की जो विरासत है उस विरासत को लेकर चलने वाले लोग इस पार्टी में, जिस पार्टी से वो जुड़े रहे जीवन भर, जिस पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़े रहे, वह लगातार कायम है। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। अटल जी भारतीय राजनीति का अजात शत्रु थे। वे अपनी विचारधारा पर फर्म रहते हुए भी उन्होंने शब्दों का, भाषा का, तरीके का ऐसा चयन किया तो उनके विरोधी भी उनसे कायल हो जाते थे। इसी कारण से कम्युनिस्ट पार्टी के हिरेन मुखर्जी हों, या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योतिर्मय बसु हों, या कांग्रेस पार्टी के नरसिम्हा राव जी हों, ये सब के सब अटल जी के प्रशंसक बने रहे।
और इसमें अटल जी के विशाल व्यक्तित्व को योगदान जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राज्यसभा सांसद, संघ विचारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश सिन्हा जी। किशोर मालवीय जी हमारे साथ हैं, मैनेजिंग एडिटर समाचार प्लस। इससे पहले बीजेपी के साथ साथ विपक्ष में भी काफी लोकप्रिय थे अटल जी। देखिए मैंने कहा ना, भारतीय राजनीति जब अस्थिरता के दौर से गुजरी थी, उस अस्थिरता के दौर से स्थिरता प्रदान करने और राजनीतिक दलों के बीच में राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर के समन्वयवादी राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, 90 के दशक की उस राजनीति को जो एक नई दिशा सरदेव अटल जी ने दी थी, वो वास्तव में उसके बाद की आई हुई स्थिर सरकारें इस बात की गवाह हैं। देश के अंदर गांवों के विकास की बात हो या देश के ढांचागत विकास की बात, चाहे वह 4 लेन का स्वर्णिम चतुर्भुज का हो जिसने देश के विकास को एक नई गति दी है, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हो, चाहे आज का जब हम संचार क्रांति की बात करते हैं, तो ये सब कार्य सरदेव अटल जी की देन है। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हर गरीब को राशन वितरण हो सके, उसको राशन मिल सके, गरीब कल्याण की उन योजनाओं को भी जो एक गति सरदेव अटल जी ने दी है, वे अविस्मरणीय हैं, सराहनीय हैं और अनुकरणीय रही हैं। इसलिए अटल जी अपने विराट व्यक्तित्व और कृतित्व, उनका जो विराट व्यक्तित्व और व्यक्तित्व रहा है, उनके कृतित्व के कारण बना है, सदैव भारतीय राजनीति को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा, भारत के प्रत्येक जनमानस को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। वे एक निर्विवाद नेता थे और उनकी यह प्रेरणा सदैव हमें एक दिशा देती रहेगी। योगी जी, राजकीय शोक किस तरीके से होगा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, प्लीज माइक पकड़ लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। कल अंतिम संस्कार सरदेव अटल जी का होगा, तो कल वहां पे सभी सरकारी उसमें अवकाश भी रहेगा और इसके अलावा सभी सरकारी कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित कर दिए हैं। आज चूंकि मुझे भी, मैं यहां पर स्वयं भी आया हूं, मैं एम्स में भी उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने के बाद, अभी सायंकाल जब उनका पार्थिव शरीर उनके आधिकारिक आवास पे जाएगा तो वहां भी हम लोग जाएंगे। इसके बाद आगे सरदेव अटल जी से जुड़े हुए जो कार्यक्रम होने हैं, उनके अंतिम संस्कार के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही है, तो उत्तर प्रदेश की हर एक, तो उनकी जो महत्वपूर्ण स्थल है, बटेश्वर उनकी जन्मभूमि है, कानपुर डीवी कॉलेज से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा हासिल की, बलरामपुर से वो पहली बार सांसद हुए थे, लखनऊ से सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री बने थे, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से उनका आत्मिक लगाव था। उनकी स्मृतियों को बढ़ाए रखने के लिए एक विशेष अभियान और विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर, और दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर अटल जी की अस्थियों का विसर्जन उत्तर प्रदेश के हर जनपद के अंदर हर नदी में हो, संगम के पवन तट के साथ साथ हर पवित्र नदी में हो, जिससे आने वाली पीढ़ी सरदेव अटल जी के विराट व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त करके इस कार्य योजना को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और मैं अपने सरदेव नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। किशोर मालवीय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर। कभी अटल जी से बातचीत की थी, कई सवाल पूछे थे, आज वो सवाल वो जवाब सब याद आ रहे हैं इनको भी। छोटी झलकी देखते हैं, फिर इनसे बात करेंगे।
एक व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री, कौन ज्यादा हाजिर है? दोनों में कोई द्वंद नहीं है। एक व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री, कौन ज्यादा हाजिर है? दोनों में कोई द्वंद नहीं है। किशोर मालवीय जी, क्या निर्मल मुस्कान, जवाब में क्या साफ गोई। लेकिन वही अटल जी कहते रहे, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी। किशोर मालवीय जी, देखिए जहां तक अटल जी के व्यक्तित्व का सवाल था, अटल जी का व्यक्तित्व एक महासागर की तरह था और इसका आभास आज से न सिर्फ देश की जनता को, सरकार को, पार्टी को, विपक्ष को, सबको होने लगा है जब वो आज हमारे बीच नहीं है। ये जो अभी इंटरव्यू, हमारा इंटरव्यू तो थोड़ा लंबा है, 10-15 मिनट का है, लेकिन उसका एक पार्ट दिखाया गया क्योंकि हमने वो तब किसी और चैनल के लिया था, हम पूरा दिखा नहीं सकते थे। हमने ये इंटरव्यू उनका लिया था 1998 में 25 दिसंबर को, जो उनका जन्मदिन था। और मुझे एक एक बात याद आ रही है कि बहुत दिनों से मैं लगा था, एक बार पार्लियामेंट में भी मुलाकात हो गई, हमने कहा कि आपका एक इंटरव्यू करना है, तो कई बार तो उन्होंने मुस्कुरा के टाल दिया, कर लेंगे। फिर एक बार अशोक टंडन जी थे, उनके मीडिया सलाहकार, उनकी ओर इशारा कर दिया कि आप इनसे बात कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर मैंने अशोक टंडन जी को पकड़ा और फिर तय हुआ कि उन्होंने खुद ही कहा कि 25 दिसंबर को आइए घर पे ही, और मैं 25 दिसंबर को गया। बहुत भीड़ थी, मुझे करीब 3 बजे बुलाया गया था और 5 बज गए, मेरा इंटरव्यू का टाइम, कैमरा वैमरा हमने फिक्स कर दिया था, इंटरव्यू का टाइम मिल नहीं पा रहा था क्योंकि उस दिन जन्मदिन था, तो काफी लोग मिलने आए थे उनसे, काफी लोग मिल रहे थे उनसे, देश भर से लोग आए हुए थे, जाहिर है उसमें इंटरव्यू प्राथमिक नहीं रह जाता है, लेकिन मेरे लिए प्राथमिक था तो इसलिए मैं लगा हुआ था। करीब 5 बजे, 2 घंटे इंतजार करने के बाद करीब 5 बजे आए और उनका पहला शब्द था कि माफ करना, काफी मिलने वाले लोग आ गए थे, आपने चाय वाय पी की नहीं। कौन नेता इस तरह की, कौन इतने महान नेता, इतने बड़े प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, हमारी सारी थकान दूर हो गई उनके एक मुस्कुराहट से। आपने मुस्कुराहट पे सवाल पूछा तो मुझे याद आया कि एक मुस्कुराहट से, और मैं बड़ा नर्वस था, मैं आपको क्या बताऊं कि हालांकि मैं उससे पहले 2 प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर चुका था, आदरणीय चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू और इंद्र कुमार गुजराल जी का इंटरव्यू मैं कर चुका था, लेकिन वाजपेयी जी के नाम से मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि वाजपेयी जी न सिर्फ एक नेता थे, प्रधानमंत्री थे, बल्कि एक मंझे हुए पत्रकार भी थे, एक कवि भी थे, तो मैं थोड़ा नर्वस था। लेकिन जैसे ही पहला सवाल मैंने पूछा, बहुत डरते हुए, नर्वस होते हुए, और जैसे उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मेरी सारी नर्वसनेस दूर हो गई और फिर मुझे हिम्मत मिली, और उसके बाद मैंने 10-15 मिनट का इंटरव्यू बेझिझक, उसमें बड़े टेढ़े सवाल भी हमने पूछे। एक सवाल मैंने उनसे पूछा कि आज जो गठबंधन का दौर चल रहा है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, क्या आप फिट हैं इस राजनीति के? थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे सुमित्रा महाजन जी। आसानी से मुझे कोई नहीं हरा सकता, ये जो भाव उनका राजनीति में भी राजनीति करते करते रहा, वही कहीं ना कहीं लगा जो मृत्यु से उनका जो युद्ध चल रहा था एक प्रकार से। और एक ऐसा तेजस्वी तारा था माननीय अटल जी, ये राजनीति के आसमान में एक तेजस्वी तारा, सबसे अलग चमकने वाला तारा था, और ऐसा लगता है वो सितारा, वो तारा आज अस्तंगत हो गया, एक पूरा शून्य जैसा आसमान में निर्माण उनके कारण, एक उनका जो स्थान था वो शून्य जैसा हो गया। आप देखिए अटल जी के तो कई रूप थे, लेकिन एक राजनेता के रूप में अगर हम देखें तो राजनीति की बात हो, सामाजिक संघर्ष की बात हो, या सामाजिक समरसता की बात हो,
या राजनीति में भी सभी दलों के साथ मिलकर चलने की, 22 दलों की सरकार उन्होंने चला के दिखाई, तो एक प्रकार से सबको अपनी भाषा से, अपनी बातचीत के लहजे से इतने प्रभावित करते थे और सबको एकत्रित करके एक अनूठी मिसाल। आज ऐसा लगता आप किसी को भी पूछो, यानी विपक्ष को भी पूछो, तो भी अटल जी के लिए उनके मन में एक सम्मान का भाव था। कोई ये नहीं कहेगा, कोई उनके लिए ऐसा कोई भाव नहीं मन में आएगा, ऐसा ये नेता जिसने हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक प्रकार के मार्गदर्शन किया, और उनका जो समझाने का तरीका, हमेशा वो कहते थे कि टिकट नहीं मिला, नहीं मिले, कोई पद नहीं मिला, नहीं मिले, और इतने सहजता से समझाते थे कि अरे अपना कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता, तो एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता के मन में आत्मविश्वास, और जितना सामान्य कार्यकर्ता के मन में आत्मविश्वास उतना ही एक प्रकार से दुनिया में, यानी कांग्रेस की सरकार में उनको भेजा गया कि आप जाकर के भारत के वहां पे बात करो, ये विश्वास। और एक प्रकार से जब विदेश में जाते भी थे तो उनकी बात का एक वजन हुआ करता था कि अटल जी क्या बोलेंगे, ये हमेशा करके भारत के वहां पे बात करो, ये विश्वास। और एक प्रकार से जब विदेश में जाते भी थे तो उनकी बात का एक वजन हुआ करता था कि अटल जी क्या बोलेंगे, ये हमेशा। तो ऐसा ये व्यक्तिमत्व आज हमने खोया। बहुत बिरला ऐसा होता है व्यक्ति जो साहित्यिक क्षेत्र में भी अपना वजन रखे, या जिसको हम कहेंगे अपना एक परिचय का पदचिन्ह जिसका रहे, राजनीति के क्षेत्र में तो एक अपना स्थान जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व खड़ा करे, सामाजिक क्षेत्र में भी सबको लगे ये कहीं ना कहीं अपना व्यक्ति है। संगठन बनाते समय कार्यकर्ताओं को, छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े पद के पे बैठे व्यक्ति को भी कोई लगे कि ये अपना कोई, ये जो एक अपनत्व का भाव उन्होंने फैलाया था, ये एक अटल जी ही करना जाने ऐसा लगता था। कई सारी बातें ऐसी होती थी कि जो लगता था ये तो अटल जी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, ऐसा एक अनोखा अनूठा व्यक्तिमत्व और एक आदर्श व्यक्ति, राजनीतिक दृष्टि से भी आदर्श व्यक्ति, ऐसा आज हमने खोया है। और ऐसा लगता है कि भगवान भी जब कुछ बनाता होगा मनुष्य का व्यक्तिमत्व, तो बहुत मन से, बहुत लगन से जब हम कोई चीज, ऐसी चीजें बहुत कम बनती है, ऐसे व्यक्तिमत्व लगता है ईश्वर के हाथ से भी बहुत कम बनते हैं, और उन बिरला व्यक्तिमत्व में से अटल जी का एक व्यक्तिमत्व था। तो आज ये संपूर्ण हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान के केवल राजनीतिक क्षेत्र का नहीं, सामाजिक क्षेत्र का, साहित्यिक क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा नुकसान जैसा लगता है, और ऐसा लगता है इसकी क्षतिपूर्ति होना बहुत। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, जीवन नहीं मांगा था, मौत नहीं मांगूंगा, चले गए अटल जी। देशभर में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चलेंगे देहरादून, हमारे सहयोगी प्रशांत वहां मौजूद हैं। पहाड़ों पर क्या चल रहा है, क्या पहाड़ रो रहे हैं, ब्रेक के बाद। मैं तो एक दिन आने, मैं तो डरना क्या, परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि फिर से भारत में जन्म दे। लौट कर जब आना है तो कुछ से क्यों डरो, वाजपेयी जी के शब्द। देहरादून चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रशांत वहां मौजूद हैं। प्रशांत, पहाड़ रो रहे हैं क्या? प्रशांत आप सुन रहे हैं हमें? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं।
बिल्कुल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से पूरा पहाड़ भी दुखी है, पूरा उत्तराखंड दुखी है, और उत्तराखंड से विशेष नाता रहा पूर्व प्रधानमंत्री का। उनके प्रधानमंत्री रहते ही उत्तराखंड एक अलग राज्य बना और इसके साथ ही साथ राज्य को विशेष पैकेज का भी तोहफा दिया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो विशेष नाता रहा है उनका उत्तराखंड से, और पूरा पहाड़ शोक में डूबा हुआ है। उत्तराखंड बीजेपी में भी शोक की लहर है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में लगातार पार्टी के नेता आ रहे हैं और अपने पूर्व नेता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता पुनीत मित्तल जी हैं, उनसे बात करेंगे। मित्तल जी, अटल जी नहीं रहे, विशेष नाता रहा आप लोगों उनके साथ, कितनी बड़ी रिक्तता आई है देश में और प्रदेश में। अटल जी की क्षति को हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे, अपूर्ण क्षति हम लोगों को हुई है। देहरादून से उनका हमेशा का नाता रहा, मसूरी आते थे, देहरादून से पूरा गढ़वाल का दौरा, कुमायूं का दौरा, हिमाचल का दौरा भी वो पौंटा से यहां से शुरू करते थे। मेरे को सौभाग्य मिला उनका सारथी रहने का, मेरे विवाह में भी वो आए थे। मैं समझता हूं कि ऐसा व्यक्ति सरल मृदुभाषी होना मुश्किल है, जिन्होंने पार्टी को और देश को दिशा दी। चाहे पोखरण हो, चाहे औद्योगिक पैकेज हो, किसी भी विषय को लेकर उन्होंने देश हित में काम किया। हमसे कहते थे, कभी हमने कहा, अरे आज तो हम सौभाग्य मिल गया हमको कि देश के भावी प्रधानमंत्री हमारे घर आए हैं। अरे कह रहे, इस मत रहो, इसमें अपना देश का काम करो, देश के लिए काम करना है, इसी के लिए लगे रहो। समर्पण भाव से जो काम करते थे, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति बहुत मुश्किल से आते हैं। निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे राजनीतिक व्यक्ति प्रशांत, और उनका कहना है कि ऐसे व्यक्तित्व दिल ही होते हैं। इनका दुख समझा जा सकता है, पूरा देश दुखी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। मौत तो एक दिन आनी, मौत से डरना क्या। परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि फिर से भारत में जन्म दे। देश में 7 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। अटल जी के निधन पर राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। यूपी उत्तराखंड में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं कल एक दिन की। सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। देश भर में राजकीय शोक की घोषणा हुई है। 7 दिन का राजकीय शोक रहेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल एक दिन की छुट्टी की घोषणा की है, सरकारी छुट्टी। उत्तराखंड की सरकार ने भी अवकाश की घोषणा की है, एक दिन की छुट्टी रहेगी उत्तराखंड में भी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। देश भर में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। इस मौके पर सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। किशोर मालवीय जी के पास चलेंगे, इनका अपना संस्मरण है, अपनी यादें हैं। अटल जी के साथ बैठे, अटल जी से बातें की, सवाल पूछा। किशोर मालवीय जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उनसे एक सवाल पूछा कि आज के जो राजनीति के साथ बैठे, अटल जी से बातें की, सवाल पूछा। किशोर मालवीय जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर उनसे एक सवाल पूछा कि आज के जो राजनीति है, आज के दौर में जिस तरह की राजनीति होती है, आप उसके उसमें थोड़ा अनफिट लगते हैं। मैं डरते हुए ये सवाल पूछा था। आज ये सवाल आप किसी से नहीं पूछ सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे रीजनल पार्टी हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने सीधा पूछा कि ऐसा लगता है कि आप अनफिट हैं। उनका जवाब, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, आप सही कहते हैं, मैं राजनीति मुझे रास नहीं आती है। इस तरह का स्वभाव था उनका, जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था। हम लोग पार्लियामेंट में के प्रेस दीर्घा में बैठे रहते थे, उनका स्पीच चलता था, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक आवाज नहीं, चाहे प्रेस के लोग हो, चाहे दर्शक दीर्घा के लोग हों, चाहे सांसद हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, ध्यान से सुनते थे। मुझे याद है 1998 में अविश्वास प्रस्ताव पर जब वो भाषण कर रहे थे, तो बहुत गंभीरता के साथ भाषण कर रहे थे। उनके भाषा में जरा भी कटुता नहीं होती है, हास्य होता है, बीच बीच में हास्य
और उनका हाथ से उस तरह का नहीं होता है कि सामने वाले को बुरा लगे, किसी का नाम लिए बगैर वो शब्दों से खेलते थे और उनका ऐसा हाथ से होता था, इसलिए उनके व्यक्तिगत विरोधी कोई नहीं थे, राजनीति में आज भी नहीं है, उस समय भी नहीं थे। उस समय उन्होंने राष्ट्रपति का भी बचाव किया था, जब राष्ट्रपति पे आरोप लगे थे कि उन्होंने बीजेपी को निमंत्रित किया, तब उन्होंने कहा था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी को ही वो बुलाएंगे, और तब ये भी कहा था कि चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं था किसी का, और आप भानुमती का कुनबा जोड़ रहे हैं चुनाव के बाद, इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो करते थे कि लोगों को अच्छा लगता था, आनंद आता था लोगों को। अब हमारे बीच वो नहीं रहे। एक शब्द हमने एक सवाल हमने पूछा राकेश सिन्हा जो राज्यसभा सांसद हैं उनसे, डिफेंड किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि वही विचारधारा है, वही लोग हैं जो अटल जी की राह पर चल रहे हैं। मैं किसी पार्टी के संबंध में सवाल नहीं पूछ रहा हूं किशोर जी, लेकिन क्या राजनीति की वो सुचिता, वो गरिमा, वो आदर्श आज है क्या? राजनीति की वो सुचिता, वो आदर्श जो अटल जी स्थापित कर रहे थे? देखिए, अटल जी ने जो बेंचमार्क सेट किया है वहां तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि किसी भी पार्टी को, खास करके बीजेपी को, बीजेपी में एक अनुशासन है जो राष्ट्रीय संघ से आता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित अनुशासन को, उनके द्वारा स्थापित संस्कृति को कोई अनदेखा नहीं कर सकता है, इसलिए उनको। दिनेश शर्मा भी मीडिया से मुखातिब हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का साया उठ गया है, पार्टी बीजेपी के जनक हैं अटल जी, सृजन करता है, निर्माता है। जनसंघ में लोग सोचते थे कि पंडित दीनदयाल जी के बाद में क्या होगा, शून्य दिखाई पड़ता था, अटल जी शून्य को भरा है और पल्लवित किया, पुष्टफित किया बीजेपी का। निश्चित रूप में अटल जी अपने शब्दों में, अपने क्रियाकर्म में, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व में हमारे बीच में रहेंगे। मैं यही कहूंगा कि शरीर नहीं है लेकिन विचार हैं, और आप देखेंगे कि वर्षों वर्षों तक देश में नहीं पूरी दुनिया में गांधीयन थ्योरी पर एक जैसे विचार हम लोग आज भी करते हैं गांधी जी के, उस पे तमाम महापुरुषों पर, अटल जी के एक एक शब्दों पर इसी प्रकार से शोध होगा और लोग उससे प्रेरणा पाएंगे। किशोर मालवीय जी, कहा जा रहा है अटल रहेंगे अटल। जी हाँ, अटल रहेंगे अटल, और इन्होंने, दिनेश शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरह हमारे देश में गांधीयन स्टडीज की पढ़ाई होती है और एक दिन अटल स्टडीज की भी पढ़ाई होगी, एक महागठबंधन को साथ लेकर चलना, उस गठबंधन को जिसमें लीक से हटकर चलने वाली ममता बनर्जी भी थी और किसी की नहीं सुनने वाली जयललिता भी। मुझे याद है एक बार हम लोग प्रेस के काफी मित्रों के साथ बैठे थे और अटल जी ने ऑफ द रिकॉर्ड मजाक में कहा था कि अरे हम तो दो ता के बीच में फंसे हैं, जयललिता और ममता। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग विचार के, अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ, लोगों की पार्टी के साथ वो गठबंधन चला रहे थे, सफलतापूर्वक चला रहे थे, उनकी जादूगरी थी। वो उस गठबंधन के गार्जियन थे, नेता नहीं थे, गार्जियन थे, और सब उस तरह से उनका सम्मान करते थे। एक महान कलाकार थे, महान कवि थे। मुझे याद है एक समारोह में शाहरुख खान ने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। शाहरुख खान ने कहा था कि हमारे देश में कला की कदर नहीं होती है, मजाक में उन्होंने कहा था कि हमारे देश में कला की कदर नहीं होती। अटल जी की ओर इशारा करके कहा कि इतने अच्छे कलाकार को लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया, वैसे हमारे यहाँ कला की कदर नहीं होती है। एक ऐसे, आप बताइए, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग जिनको, जो पार्लियामेंट में नहीं आते थे, वो खबरें देखते थे, लेकिन उनको, इनका व्यक्तित्व तो इतना भाता था। मैंने कभी किसी को देखा नहीं जो अटल जी की शिकायत करे, अटल जी की आलोचना करे, चाहे उनके काम का, उनकी राजनीति का, उनके स्वभाव का, मुझे आज तक कोई नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला, न सत्ता पक्ष
न विपक्ष, न समर्थक, न धुर विरोधी, न आलोचक, न समीक्षक, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने अटल जी को अटल जी नहीं कहा हो, जो अटल जी के खिलाफ बोलता हो, जो अटल जी की राजनीतिक शैली को देश के खिलाफ मानता हो, जो अटल जी के फैसलों के खिलाफ खड़ा होता हो, कोई नहीं मिलता था। ऐसे थे अटल। तो क्या अटल जिस राजनीति को स्थापित करके गए वो राजनीति इस दौर में आगे बढ़ पाएगी? बढ़ रही है, कहीं दिख रही है? किशोर जी, देखिए, अटल जी में जो राजनीतिक गुण थे वो आज किसी में नहीं है। आने वाले समय की बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज वो किसी में नहीं है। उनके नजदीक पहुंचने की कोशिश जरूर लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य से आज सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का वर्ताव भी वैसा नहीं है जैसा कि अटल जी के समय में विपक्ष का होता था। अटल जी के व्यक्तित्व से लोग इतने प्रभावित होते थे कि विपक्ष भी उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचता था कि हम किससे बात कर रहे हैं, हम किस पर उंगली उठा रहे हैं। मैं एक स्पीच का गवाह हूं, वो शायद वो भी 1998 का स्पीच है। लोकसभा में लालू यादव स्पीच दे रहे थे और लालू यादव जाने जाते हैं थोड़े मस्करी के लिए, और वो मस्करी लहजे में भाषण दे रहे थे और एक एक करके सबको निशाना बना रहे थे। उन्होंने आडवाणी जी को निशाना बनाया रथ यात्रा को लेकर, उन्होंने बाकी बड़े नेताओं को निशाना बनाया, सबको निशाना बनाया, लेकिन अटल जी का नाम जैसे ही आते थे उनकी आवाज धीमी हो जाती थी। उनका जो मजाक करने का जो अंदाज था वो रुक जाता था और वो अचानक सीरियस हो जाते थे। तो अटल जी के सामने किसी की सबकी बोलती बंद रहती थी, क्योंकि किसी के पास उनके खिलाफ बोलने का एक के लिए न एक शब्द था न एक कोई वजह थी। ऐसा व्यक्तित्व था और उन तक पहुंचना, उनके करीब भी पहुंचना मुझे आज असंभव दिख रहा है। असंभव दिख रहा है उनके करीब पहुंचना। अटल जैसे लोग कभी कभार ही आते हैं, कभी कभार। और इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि आदर्शों की राजनीति को शून्य करके चले गए अटल बिहारी वाजपेयी। यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। मैं तो एक दिन आने मौत से डरना चाह, परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि फिर से भारत में जन्म दे। किशोर मालवीय जी हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर जी, एक और सवाल आपसे है, मेरे मन में चल रहा है। आप अटल जी के साथ पाकिस्तान दौरे पर गए थे, पाकिस्तान को लेकर अटल जी का नजरिया कैसा था? जो विदेश नीति थी अटल जी की वो कैसी थी? पाकिस्तान के प्रति नजरिया, विदेश नीति, ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण है अटल जी को समझने के लिए। देखिए, अटल जी की विदेश नीति दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाली नीति थी। पाकिस्तान को लेकर भी वो हमेशा बातचीत का रवैया रखते थे। वो पाकिस्तान गए, आपको याद होगा, वो लाहौर गए थे, बस उद्घाटन किया था उन्होंने, बस में बैठकर लाहौर गए थे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, 2001 जुलाई 2001, 18 या 17 जुलाई की बात है। आगरा में भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई थी, मैं कवर करने गया था। परवेज मुशर्रफ आए थे पाकिस्तान से और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की ओर से थे, और एक गतिरोध पैदा हो गया। गतिरोध यह पैदा हुआ कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होना था, जो कि आमतौर पर वार्ता के अंत में होता है। हम प्रेस वाले बाहर इंतजार कर रहे थे, एक होटल के बाहर जहां बातचीत हो रही थी, और यह कहा जा रहा था कि बातचीत में परवेज मुशर्रफ कश्मीर को डालना चाहते हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट में, जिसके लिए भारत और वाजपेयी जी तैयार नहीं थे। अचानक पाकिस्तान की ओर से यह खबर उड़ा दी गई मीडिया के बीच में कि वाजपेयी जी मान गए हैं और कश्मीर का मामला, मुद्दा जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल होगा। हम सब स्तब्ध रह गए, पूरा भारतीय खेमा, न सिर्फ मीडिया, सारे लोग स्तब्ध रह गए कि यह कैसे हो गया, वाजपेयी जी कैसे मान गए कि वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का मुद्दा वो शामिल करेंगे।
लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि न सिर्फ मीडिया, सारे लोग स्तब्ध रह गए कि यह कैसे हो गया, वाजपेयी जी कैसे मान गए कि वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का मुद्दा वो शामिल करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये उनका विस्तार सिरे से खारिज कर दिया था वाजपेयी जी ने कि कश्मीर के, और उनके खारिज करने की वजह से ज्वाइंट स्टेटमेंट उस वार्तालाप का जारी ही नहीं हुआ। वो अडिग रहे कि नहीं, कश्मीर का मुद्दा ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं आएगा, तो नहीं आया, नहीं आएगा, और बातचीत बिना ज्वाइंट स्टेटमेंट के खत्म हो गई। ऐसे थे अटल जी। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और काफी दिनों तक वाजपेयी जी के साथ काम करने वाले नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी। वाजपेयी साहब, समझ सकता हूं इस वक्त आप पर क्या गुजर रही होगी और आप किस मनोदशा का शिकार होंगे अभी। साहब, भरी दोपहरी में अंधियारा और सूरज परछाई से हार गया वाजपेयी जी। निश्चित तौर पर उस कविता का लिखने वाला कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूं, इस कविता को लिखता रचेता अटल बिहारी वाजपेयी आज काल से हार गया जी। और अटल जी का व्यक्तित्व सर्व स्वीकार्य व्यक्तित्व था, सर्वस्पर्शी सर्वग्राही व्यक्तित्व था जी, सर्वसमावेशी व्यक्तित्व था। 24 दलों की सरकार को चलाकर उन्होंने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था। अटल जी के विकास के प्रति विजन कैसा था, केवल दो योजनाओं से उनका विजन स्पष्ट होता। उन्होंने गांव को शहर की जिले की मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई। अटल जी ने पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण देश को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई। नदियों को जोड़ने की योजना उनकी सफल नहीं हो पाई, नहीं तो देश बाढ़ से और सूखे से मुक्त हो चुका होता। ऐसा स्पष्ट विजन वाला दिव्य दृष्टा अब हमारे बीच में नहीं है। अटल जी के जाने के बाद जो रिक्तता आई है, मैं भविष्य नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहने को, मैं मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये रिक्तता कभी भी पूरी नहीं होगी। लक्ष्मीकांत जी, आपने तो उनके साथ काम भी किया है, और जहां तक मुझे याद है जब वो लखनऊ आते थे आपकी उनसे मुलाकात जरूर होती थी। कितना असर आप पर रहा वाजपेयी जी का आप जानते होंगे, लेकिन जो हम लोगों ने देखा है लखनऊ की सड़कों पर, कहा जाता है कि वाजपेयी जी वहां साइकिल से घूम लिया करते थे पीछे बैठ के, और हमने आपको देखा है प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए स्कूटर से घूमते। कितना असर रहा वाजपेयी जी का आप लोगों पर, कुछ संस्मरण बताइए, कुछ यादें बताइए, उनके साथ बिताए वक्त बताइए। मेरठ में मवाना में एक सभा हुई थी जी, सभा समाप्त होने के बाद मंच से उतर रहे थे, मैं मेरठ जिले का महामंत्री था जी, अटल जी आगे आगे उतर रहे थे, मैं पीछे पीछे उतर रहा था। सीढ़ी जो थी उसमें कुछ चरमराहट सी हुई, आवाज हुई जी, अटल जी ने पीछे को देखा और तत्काल उनका विरोधी स्वभाव उन पर हावी हुआ। उन्होंने कहा एक म्यान में दो तलवार एक सीढ़ी पर दो वाजपेयी कैसे रहेंगे भाई। मैं तत्काल पीछे को पैर करके मंच पर वापस चला गया जी। उसके बाद नीचे उतरा तो अटल जी खड़े हुए थे, मेरी चप्पल गायब हो गई थी। फिर उन्होंने एक व्यंग किया कि चिंता मत करो, कोई भरत ले गया होगा, समय पर वापस कर देगा। ऐसा व्यक्तित्व था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। कहा इतने बड़े राष्ट्रीय नेता, कहा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे सामान्य कार्यकर्ता, उसके साथ भी इस दोनों विषयों को विनोद के साथ समाप्त करने वाला व्यक्तित्व अब इस कम से कम भारत में तो दोबारा पैदा नहीं होगा, और हम सब लोगों को उनका अभाव हमेशा खलेगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आज ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, समझ रहे हैं कि निश्चित तौर पर बेहद दुख की घड़ी है, और आपने तो वक्त बिताया है उनके साथ, आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी इसका अंदाजा है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, उन्हीं की लाइन है, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। ऐसा ही लग रहा है आज, ये सूरज परछाई से हार गया। राजनीति का ये सूरज
आदर्शों का ये सूरज, ईमान का ये सूरज, शौर्य का ये सूरज, शुचिता का ये सूरज परछाई से हार गया। नई रार ठानने का वादा था लेकिन मौत से हार हो गई। जिंदगी कभी सगा नहीं हुई है और मौत तो आनी है, तो अटल जी भी चले गए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर इस गाड़ी से ही जाना है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मिट्टी से सने, मिट्टी के बने, मिट्टी के हो जाएंगे। तो जनप्रिय नेता हरक सिंह रावत जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। हरक सिंह जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। एक ऐसी क्षति, एक ऐसा नुकसान, ये सिर्फ राजनीति की क्षति नहीं है, हिंदुस्तान की क्षति है। जी जी। हिंदुस्तान ने वाकई आदर्शों वाले एक जन नेता को खो दिया है। हरक सिंह जी। देखिए, मैं माननीय अटल जी का बहुत ही व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक रहा हूँ जी, और मैं 1980 में जब छात्र राजनीति करता था, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी का बम्बई अधिवेशन में स्थापना की थी, तो मैं तब से ही उनका प्रशंसक हूँ। और लगातार जब उत्तर प्रदेश में मैं मंत्री था, 91 में माननीय अटल जी आते थे, मैं घंटों उनके पास बैठा था। और 1984 में जब वो चुनाव हार गए थे ग्वालियर से, गढ़वाल दौरे पे आए थे, मुझे आज भी उनके एक एक भाषण का एक एक शब्द याद है, और जो उनकी पंक्तियां हैं कविता की, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हुआ करता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हुआ करता, और टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई खड़ा छोटे 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 मन से कोई बड़ा नहीं हुआ करता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हुआ करता। ये जो उनकी पंक्तियां हमेशा इन्होंने एक प्रेरणा दी है मुझे, और मैं सोचता हूँ कि आज निश्चित रूप से कि इतिहास पुरुष से मैं सोचता हूँ कि अटल जी सचमुच एक विचारधारा है, एक पूरा दर्शन है, पूरा एक सांस्कृतिक विरासत से लेकर सोचता हूँ कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और सपक्ष हो विपक्ष हो, कोई हिंदुस्तान में मैं सोचता हूँ किसी धर्म जाति क्षेत्र राजनीतिक दल सबसे ऊपर उठकर हमेशा, चाहे मैं मुझे याद है कि जब वो विपक्ष के नेता होते थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनके बारे में किस तरह सदन के अंदर किस तरह कहती थी, तो पूरे हिंदुस्तान ने हमेशा उनका लोहा माना है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। तो मैं सोचता हूँ सचमुच भारत ने एक महान नायक को खो दिया है, और इसका मैं सोचता हूँ सबको बड़ा दुख है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर सिंह रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सब दुखी हैं निश्चित तौर पर और पूरा देश दुखी है। किशोर जी, आखिरी टिप्पणी आपकी चाहेंगे इस कार्यक्रम में। बात कही उससे मुझे एक बात और याद आ गई कि जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो आमतौर पर कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों की इच्छा होती कि वो फिल्म देखें, खेल कूद करें, मनोरंजन के लिए टीवी देखें, फिल्म देखें। हमारे मेरे जैसे काफी हजारों संख्या में ऐसे युवा थे जो जिनका मनोरंजन अटल जी के भाषण से होता था। जब भी अटल जी का भाषण होता था, फिजिकली कहीं वो देखे हों या टीवी पर पार्लियामेंट में बोल रहे हों, एक एक शब्द ध्यान से सुनते थे हम लोग। उनका बोलना, उनके बोलने का स्टाइल, ये अब सब कुछ हमें, अब वो नया गीत कोई नहीं गाएगा सर, गीत नया गाऊंगा लेकिन वो नया गीत अब कोई नहीं गाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर मालवीय जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। मौत तो एक दिन आनी, मौत से डरना क्या, परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि फिर से भारत में जन्म दे